देखो ये हमारा आज का थर्ड पार्सल है, ठीक है, ये सील पैक है, ठीक है, ओके, मैंने ओपन नहीं किया अभी तक। अब यहाँ पे अमेज़न वेब नंबर देख सकते हो आप, ओके। अब इसे ओपन करते हैं, इसमें क्या निकलता है देखते हैं। इसमें लास्ट हमारा प्रोडक्ट था टेम्परेचर सेंसर, ओके, टेम्परेचर गन था हमारा आईबीएस। अब देखते हैं क्या है। बॉक्स ओपन किया, हमें मिलता है बिल, ओके। अब हमारे दूसरे पार्सल सब मैच करेंगे, ठीक है, सेलर सेम है क्या? देखो हमने मंगाया है नेफी का इंडस्ट्रियल इंफ्रारेड आयर थर्मोमीटर, ओके, मेको का है 50 डिग्री टू 600 डिग्री -50 डिग्री, ठीक है। ये हमें पड़ा कितना है, 1359 रुपये में, ओके। GST हमें 200 रुपये के आसपास क्रेडिट होने वाला है, ओके, 1359 रुपीज़ हमें पड़ा है, ओके। GST में 200 रुपये के आसपास हमें क्रेडिट होने वाला है। अब इसका सेलर कौन है, नैफी इंटरप्राइजेस। अब पुराना बिल देखते हैं हमारा, इसका सेलर कौन है देखते हैं। अच्छा, ये रॉयल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो हमने मल्टीमीटर मंगाया था मेको का, वो रॉयल टेक्नोलॉजी का, ठीक है। हमने इसे ओपन किया, साथ में हमें क्या मिलता है, ठीक क्या, कुछ भी नहीं मिला हमको, ये पेपर था, ठीक है। तो ये हमने ओपन किया, अब इसे खोलते हैं, ठीक है। इसका मॉडल नंबर देख सकते हो, IIT 400T, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टेम्परेचर डिटेक्टर है आप, ओके, थर्मोमीटर है ऐसा बोल सकते हो आप, थर्मोमीटर ये हो, ठीक है। तो अभी हमने देखो यहाँ पे MRP डी डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। MRP कितना है इसका, 1629 रुपये, और हमें मिला कितना है, 1369 रुपये में, ओके, 69 में मिला ना हमें। मेको का ओरिजिनल ब्रांड है। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, इस बॉक्स में क्या मिलता है हमको, ओके, ये हमारा प्रोडक्ट रहा। साथ में हमें दो सेल मिला, ओके, और ये मिला हमारा सबसे मेन सर्टिफिकेट, ओके, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इसका फीचर्स एक बार देख लेते हैं। मॉडल नंबर तो मैंने आपको बता दिया, IIT 400T, ओके, IIT 600T। तो अभी ये देखो, ये फीचर हो गया इसका फीचर्स, और ये देखो फील्ड व्यू है, ओके, ये जो आपको रेशियो दिख रहा है, ओके, 38 mm 300 mm, ये जो आपको रेशियो दिख रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ओके, तो उसको एक बार रीड आउट करो, हमें क्या देखना है इसमें, हमारा LCD डिस्प्ले है, ओके, सबसे मेन टेम्परेचर रेंज 500 to 400 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो हमारा देखते कौन सा है, प्रोडक्ट ओपन करेंगे पहले हम लोग, हमने मंगाया क्या है, मिला क्या है, वो चेक करना ज़रूरी है। हमने मंगाया है 50 to 600, ओके, मतलब 600 वाला होना चाहिए, ओके, हाँ, IIT 600T है हमारा सीरीज, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहेगा, -50 डिग्री टू 600 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग मेजर कर सकते हैं, ओके। तो एक्यूरेसी पोलैरिटी प्लस माइनस साइन, वो बैटरी का हो गया, आपको छोड़ दो, यहाँ पे एक्यूरेसी लिखा है, ओके। 0 डिग्री सेल्सियस के लिए आपका ±3% रहेगा, ओके, ±3 डिग्री सेल्सियस का रहेगा, और 0 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा आपके, तो -1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका रहेगा, ओके, कम या ज़्यादा जो भी रहेगा, उल्टा रेशो है। अब ये सिंबल का मुझे याद नहीं, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ऐसा कुछ तो है, ठीक है। तो भाई कुछ खास नहीं है, सेल डालते हैं, देखते हैं, इसमें कुछ पढ़ने लायक भी नहीं है, आपको अच्छा लगे तो पढ़ सकते हो,
छोड़ो मरने दो। अब इसे मैं ओपन कर रहा हूँ प्रोडक्ट को। ये क्या किया मैंने, चिपकाया कि मजाक किया है? ठीक है, ये मैंने ओपन किया। अब सेल इंस्टॉल करना है तो सिंपली आपको यहाँ से ओपन करना है। ठीक है भाई, ओपन हो जा। ठीक है, ऐसा ओपन हो गया तो एक बार देखने तो क्यों ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा, दोनों साइड से इक्वली निकालोगे तभी निकलेगा, ये करेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हमारा सेल है। सेल कौन सी कंपनी का दिया? पैनासोनिक का दिया, मतलब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला। ओके, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, माइनस का माइनस प्लस का प्लस, उससे सेल आपको इंस्टॉल करना है। और ये सेल इंस्टॉल करना मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सबके घर में रिमोट है और सबके घर में टीवी आज की तारीख में। ओके, हमने सेल इंस्टॉल कर दिया। अब चेक करते क्या होता है। ग्रेट, पहले लाइट ऑन हुआ, हम ये बंद करते हैं। ओके, 32 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। अब देखो यहाँ पे एक रेड लाइट दिख रहा है, ये आपका हो गया। ओके, दूसरा पॉइंटिंग मेथड चेंज करोगे। ओके, तो अभी 32 ही दिख रहा है, 32.6। लेजर बेस पे भी 32.6 दिखा रहा है, पेपर का लेके देखते हैं हम लोग, इस पर भी उतना ही दिखा रहा है। मेरा टेम्परेचर लेते हैं, थर्टी सिक्स डिग्री, तो उसको फेरेड में कन्वर्ट करते हैं। 96 मेरे बॉडी का भी टेम्परेचर कितना है, 96.8। ठीक है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 96.8, मतलब मेरा बॉडी टेम्परेचर ओके है। ठीक है, और ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइस भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये बेसिकली मैंने इसलिए मंगाया हुआ है कि सपोज़ मैं रिपेयरिंग करता हूँ। ओके, रिपेयरिंग करते वक्त क्या होता है, हीट सिंक पे हीट कितना जनरेट हो रहा है। ओके, तो वो एक्यूरेटली मुझे चाहिए, मतलब कितने लेवल तक हीट वो सस्टेन कर रहा है, कि कब कंपोनेंट उसके बाद बस्ट हो रहा है, हमारा आईजीबीटी मर रहा है, या फिर आईजीबीटी हमारा ब्लास्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है। ओके, उसके लिए मंगाया हुआ है, या फिर किस कंडीशन पे। अभी बोट के, अगर सपोज हम बोट को लाइव टेस्ट करते हैं, ओके, तो हर जगह हम उंगली नहीं डाल सकते, या फिर हम टेम्परेचर सेंस नहीं कर पाते अब हमारे बॉडी को फील देखिए। मतलब जैसे सपोज मुझे इधर चेक करना है तो मैं उंगली रखता हूँ, ओके, और वहाँ पे चेक करता हूँ टेम्परेचर कितना है कोई कंपोनेंट का, तो उसके थ्रू मैं एक अंदाज़ा लगाता हूँ कि ओवर हीट हो रहा है या ओवर। ठीक है, मतलब सिंपली बोलो तो लीकेज है, डैमेज है कि नहीं है, ये सब चीज़ें मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है। तो उस कंडीशन में टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है रिपेयरिंग के लिए। ओके, इसके लिए मैंने ये डिवाइस मंगाया हुआ है, बाकी कोई रीज़न नहीं मंगाने का। ओके, और ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है। ठीक है, ये मेको ब्रांड का है, और हमने जो क्लाइम मीटर मंगाया वो भी मेको ब्रांड का मंगाया है, सिर्फ हमारा टूल किराया लगता है। ठीक है, अब देख सकते हो हमारा ये तीन डिफरेंट टूल हमने मंगाया हुआ है। ओके, तो ओके, तो आपको भी रिपेयरिंग लैग में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती होगी तो मंगा लो। ओके, अभी सेल चालू है, सेल पे आप मंगा सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट है अभी जो मैंने बोला आपको पीसीबी के ऊपर, तो ये आपकी रिपेयरिंग बहुत हेल्प करता है। अभी नॉर्मली एज्यूम करो कि आपका कोई मॉसफेट है, आप विदाउट फैन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, फ़ैन हमने लगाया नहीं है। ओके, और उसे कंटिन्यूस मॉनिटर करना है कितना हीटिंग लेवल तक जाता है, और उसके बाद ट्रिप मारता है। ओके, नहीं तो ये बोलो कि VFD एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ट्रिप मार रहा है। ओके, तो वो जो टेम्परेचर वो जो सेंस कर रहा है उसके अंदर का, अंदर का जो टेम्परेचर सेंसर है वो हीट सिंक के ऊपर लगा हुआ VFD का, वो जो सेंस कर रहा है वो सेम टेम्परेचर आपका मीटर सेंस कर रहा है क्या? ओके, तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि टेम्परेचर सेंसर आपका ख़राब है या ओके है। ठीक है, बेसिकली तो ये एक एग्जांपल था। इस तरीके से आप कैलिब्रेट कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और फ्यूचर में हम ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट और ऐड करते रहेंगे, तो नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू।